आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हो चुका है वीकेंड का डे का स्टार्ट, तो आई होप आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा जाए। ढेरों सारी दुआएं आप सबके लिए। ये तो आज क्या हुआ था कि हस्बैंड किसी काम से चले गए थे, तो फिंशा को आज मुझे ही ड्रॉप करना पड़ा और अभी आई हूँ उसे पिक करने। तो आज डे में क्या करने वाली हूँ, आप बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। क्या करने वाली हूँ, क्या होता है, कैसा डे जाता है मेरा, तो ये आपके साथ साथ शेयर करती रहूंगी। You want to say something? वालेकुम अस्सलाम, how are you? चलो 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 चलो, go 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 go. Are you okay? इधर देखो, are you okay? ठीक हो? चलो। ये तो फिर घर जाके इंचा को खाना वगैरह दिया, देन उसके बाद हस्बैंड आ चुके थे, फिर जाना था थोड़ा सा ग्रॉसरी के लिए। और यहाँ पे तो हमारा स्टॉप ज़रूर होता है, एवरी वीक नहीं लेकिन आफ्टर 2 वीक और आफ्टर 1 वीक हमारा यहाँ पे ज़रूर राउंड लगता है, क्योंकि यहाँ के समोसे बेहतरीन हैं, टेस्टी हैं, यमी हैं, मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से अगर पापा घर पे हों तो ट्यूशन से स्टेट पे वो ले लेती है, अगर ना हो तो फिर हम ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद आराम से लंच टाइम पे वो ज़रूर होता है हमारा। और यहाँ पे बैग मैंने ला कर रख दिए हैं और मैं अभी सोच रही हूँ कैसे करती हूँ, पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नमाज मिस कर देना तो फिर टाइम गुजर जाता है। तो हस्बैंड चलेंगे नमाज़ पढ़ने और अभी मेरा टाइम है, जल्दी जल्दी से बच्चों को दिया है और अंदर जाके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ताकत नहीं है, अभी मैं ग्रॉसरी बाद में आके निकालूंगी। एंड पहले ये दिखाते हैं, ये हमारा हाल होता है, पहले आते ही स्टेट में ये काम होता है, ये देखें। एक वो नहीं दिखा सके क्योंकि इंशा तो ऐसे मज़े ले लेके खाती है समोसे, और इसी की फरमाइश पे इसके पापा जाते हैं, क्योंकि इनके समोसे वाकई बहुत ही बड़े और यमी होते हैं। और हस्बैंड की चाय और अपनी चाय बना के रख दी है, मैंने कहा चलें आपको ये दिखाती हूँ। मैं जल्दी से जाऊँगी और नमाज़ पढ़ के आऊँगी, फिर मैं समोसा आराम से बैठ के चाय के साथ खाती हूँ, क्योंकि चाय के साथ जो समोसे का मज़ा है ना वो किसी और चीज़ के साथ नहीं है। और आजकल तो मेरे मोहम्मद को भी इतने पसंद है कि उसका भी ज़रूर होता है। और इस तरह से ये हमारा वीकेंड पे ज़रूर होता है, एवरी वीक नहीं लेकिन आफ्टर 1 वीक और 2 वीक ये ज़रूर होता है, और जब बच्चे फरमाइश करते हैं ना तो पूरी भी करनी पड़ती है। तो चाय वगैरह पी तो उसके बाद वाकई बहुत ही बेटर फील किया, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और फिर वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं जाता है, तो घर आके थोड़ा सा खाया है। तो इसके बाद अभी मैंने कहा चले चले जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी को ठिकाने लगाती हूँ। बस ऐसी होती है मेरी छोटी सी ग्रॉसरी, क्योंकि मिल्क नेक्स्ट डे को फार्म से आ जाते हैं, तो ये छोटी सी मेरी ग्रॉसरी होती है वीकली, कोई ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा कभी कभी होती है जब बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। फिर बच्चों को शॉप वगैरह दिया, उनको रेडी किया, फिर उनके इंशा के क्या थे कि उनके इयर रिंग्स मैंने चेंज करने थे तो वही मैं चेंज कर रही थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, जिस तरह से ऑनलाइन मिल जाते हैं प्लास्टिक के, ये स्कूल में भी अलाउड होते हैं, मीन इस तरह से ये मैं पहना देती हूँ तो ये स्कूल में चल जाते हैं। तो ये है कि ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मेंशन किया था, बल्कि उसके पास थे तो ये बहुत ज़्यादा प्लंटी मिल जाते हैं, तो फिर उसने मुझे थोड़े से शेयर किए थे, फिर अभी यही पहना देती हूँ। अभी इसको चेंज कर रही थी क्योंकि इनके इयर रिंग मीन 2 वीक और आफ्टर 3 वीक चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चे शॉवर वगैरह लेते हैं तो ईयर्स मीन हॉल्स ख़राब ना हो जाए, तो अच्छा थोड़ा सा चेंज कर लें। उसके बाद ये बस इनके नेल्स कटिंग करने वाले थे, वही कट कर रही थी, इसके करने हैं फिर मोहम्मद के करने हैं। वाकई आज का डे का पता ही नहीं चला कि मेरा कहाँ गया, सुबह से मैं स्टार्ट हुई हूँ, बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दिया, इसको ड्रॉप किया, पिक किया, ग्रॉसरी पे गए, ग्रॉसरी की, वॉश मेटी, शॉवर वगैरह दिया, देन अब नेल्स वगैरह, क्योंकि बच्चों के आफ्टर 2 वीक तो इनके कटिंग करने होते हैं, तो मैंने कहा चैलेंज आज फाइनली डन करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी होता है। अब यहाँ पे इसके फीट के मैं नेल्स कटिंग कर रही थी, और ये इसका फेवरेट पार्ट है, ये इतने मज़े से ऐसे फीट रख के और रिलैक्स फील करती है। बेटा ड्रॉप ऐसे मुझे मिला था, जाइए आपको रिपेक्ट करना। अच्छा मुझे ये बताओ
कि डेली दुआ में से आप किस दुआ पे हो इंशा? थर्ड कलमा पे तो सब कामों में से ये काम भी था एंड ये मेरा ज़रूर होता है एवरी वीकेंड पे ये मीन इंशरा के मीन मदरसे का बैग चेक करना, ट्यूशन वाला वर्क चेक करना। ट्यूशन वाला वर्क तो स्पेशली थोड़े से हस्बैंड देखते हैं और ये है कि स्कूल का वर्क देखना तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैं ज़रूर एवरी वीकेंड पर देखती हूँ कि अगर इनको होमवर्क मिला है तो वो करवाना है या क्या है, वो ज़रूर मैं चेक करती होती हूँ। ये बैग भी रख दो बेटा, फिर आप फ्री हो जाके प्ले कर लो फ्रेंड्स के साथ। ओके इधर अभी बाल आपके बैठे हैं तो ये ड्राई हो जाएंगे, ठीक है? ये बैग रख दो, जाओ यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड। इतने पारे पारे बाल कटे हुए आपके, इतने पारे पारे बाल कटे हुए तो यहाँ पे इंशा फ्री हुई है तो अब मोहम्मद का टाइम है क्योंकि इसके में नेल्स कटिंग करने हैं एंड इंशा को अब फ्रेंड्स के पास भेजने के लिए कहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हाल सब बच्चे को? अल्हम्दुलिल्लाह। अब डेस्क ग्रेट माशाल्लाह, यू लाइक उर्दू है? ओके जाओ आप प्ले करो, गो शाबाश। अभी तक अभी नहीं और सो क्यूट उसने आके बोला, मैं के चले, मैंने कहा कैमरे के सामने आके बोलो ना, बोलना है तो। ये तो अभी मोहम्मद इतनी मस्ती कर रहा था, इतना मूव कर रहा था फीट को कि नेल कटिंग ही नहीं करने दे रहा था तो मैंने वहीं पे छोड़ा, मैंने कहा इसको छोड़, इसको कि पकड़ेगा तो फिर कटिंग करूँगी। और इसके बाद जी मैं तो अपना लेके बैठ गई चाय का कॉपर, मैंने कहा अभी तो सर रिलैक्स फील करती हूँ क्योंकि वाकई अभी मैं रियलाइज़ कर रही थी मेरा आज का वीकेंड डे बहुत बिजी रहा, कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन यह है कि आज डिनर शिनर नहीं बनाना है, अभी बैठी हूँ, मैं कहा चलें जी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। तो आज तो मेरे बच्चों ने भी ज्वाइन किया है जी, आई होप आप लोगों को आज का वीकेंड का व्लॉग बहुत अच्छा लगे। आइए आजो आजो आजो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खाना आ गया, मैं कब से वेट कर रही हूँ। कम ऑन कम ऑन मोहम्मद, हेल्प करो पापा के, कम ऑन, कम ऑन भाई को ले आओ, आजो आजो आजो। तो इनको भी साथ ले गए थे, तंग किया होगा है ना मोहम्मद? आजो आजो, मुझे कब से भूख लग रही है, आजो। हाँ आप ही पापा के साथ गए थे पापा को ट्रबल देने? वेयर इज माय फूड मोहम्मद, वेयर इज माय फूड? ओए लिफ्ट करा दे मुंडिया, वेयर इज माय फूड बेटा? जी तो आज तो स्पेशली बच्चे भी लेने गए थे हस्बैंड के साथ जी डिनर, तो आज दिल कह रहा था पिज़्ज़े का तो पिज़्ज़ा लेके आया है जब बच्चे कह रहे हो ना, तो काफ़ी टाइम के बाद आया है। एंड इसके बाद ये होता है कि ये फर्स्ट डे होता है वीकेंड में, ये ऐसा दिन होता है जब हस्बैंड खाना लेके आते हैं और ख़ुद ही सर्व करते हैं। मीन बड़ी फीलिंग अच्छी आ रही होती है जब हमें कुछ नहीं करना होता, मीन वो लेके भी आते हैं सर्व भी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का बच्चों के साथ का वीकेंड व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल को देखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।